नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेड आप स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर स्टेशन के बारे में तो पता ही है, अब कोई छोटी मोटी बात तो रहने गई, सबको पता चल गया। तो कल सुनवाई है 25 अप्रैल को, कल क्या हो सकता है उस बारे में बात कर सकते हैं। और दुआ करना है यही है कि कल जो हो सब कुछ अच्छा हो, स्टूडेंट्स के फेवर्स में हो। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक चर्चा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप भी अपना कमेंट बॉक्स में पॉइंट ऑफ व्यू दे देना। और बस एक छोटा सा पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसा कि मैं रेट दिखा देता हूँ, 25 अप्रैल को सुनवाई है, कोर्ट नंबर 33 में है, सीरियल नंबर 60 है। तो 60 है मतलब काफी टाइम लग सकता है सुनवाई में, हो सकता है 12 एक बज सकते हैं, 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है। तो जैसे सुनवाई हो जाएगी उसके बाद क्या होगा मैं बता दूंगा। तो पहली सुनवाई आपको पता है 30 मार्च को ही, फिर 1 अप्रैल को भी, 5 अप्रैल को भी, 6 अप्रैल को। ये हमारी पांचवी सुनवाई है। पांचवी सुनवाई में देखिए क्या हो सकता है, चांसेस अधिकतर यही आ रहे हैं सामने निकल के कि रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, रिवाइज रिजल्ट। मगर मांग तो हमारी है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव यही है कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि यार पेपर तो एक बार आपको पता ही है कि हुआ था ना बनारस में, जो था वहां पर पेपर आउट हुआ, सर्वर के साथ खिलवाड़ हुआ था। तो पेपर तो जाहिर से बात है कहीं ना कहीं पेपर साथ खिलवाड़ हुआ है, तो रिवाइज रिजल्ट भी कर देंगे तब भी कहीं ना कहीं तो जो जिनके नंबर्स बढ़ गए थे उसमें से, मैं नहीं कह रहा कि सारे फेक हैं, कुछ जेनुइन भी हैं, मगर जितने भी हैं जिनका उस तरह से हुआ, सर्वर हैक वगैरह करके हुआ था, जैसे अभी पेपर आउट हुआ था आपको पता ही है, तो वो तो इसमें रहेंगे ही ना। और री एग्जाम हो जाएगा तो चलो चलो थोड़ा सा ये होगा कि इस बार सख्ती हो सकती है, इस बार शायद थोड़ी सी और पकड़ हो, था सर्वर और अच्छा हो जाए, ये सब चीजें ना हो। तो मांग तो यही है कि री एग्जाम होने चाहिए, और आप भी यही चाहते हो। आप कमेंट बॉक्स में भी कई कमेंट आए थे पहले भी कि री एग्जाम होना चाहिए, और आगे भी कमेंट यही आते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। तो री एग्जाम ही सही होगा मेरे पर्सपेक्टिव से, और आपके पर्सपेक्टिव से भी यही है कि री एग्जाम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी कल की जो अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो काफी टाइम हो गया, मतलब कि 30 मार्च से आज 25 अप्रैल, लगभग लगभग 1 महीना होने वाला, और 1 महीने में काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। और कल जो होगा 25 अप्रैल को काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और दुआ यही है कि स्टूडेंट्स के फेवर में हो जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। तो वीडियो में इतना ही था आज, तो कल की वीडियो में काफी खास होने वाला है, सारी चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पे बता दूंगा कि कल क्या कोर्ट में हुआ। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।